जय हिंद दोस्तों, आज बनेगी आलू करेले की सब्जी बिहारी स्टाइल में। एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी आसान, इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी सब्जी किसी भी चैनल पे नहीं दिखाई जाएगी। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने कहा 1/2 kg करेला लिया है। उसको मैं इस तरह से ऊपर से इसका सारा उतार दूंगी। अगर आपको नहीं उतारना तो आप इस तरह भी बना सकते हो, इस तरह भी बहुत बढ़िया बनेगी। फ़िलहाल मैंने इसको ऊपर से निकाल दिया सारा। तो ये यहाँ पे सारे करेले मैंने कर दिया, और इसको बीच में से लगा दिया है एक कट। जैसे ही मैंने इसको कट लगाया है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कट लगा लो, ताकि जो मसाला मैं बनाऊँगी इसके अंदर नहीं भरूँगी बिल्कुल भी, लेकिन जो भी मैं मसाला बनाऊँगी वो इसके अंदर ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने बना दिया, सारे करेलों को कट कर दिया है, और कट करने के साथ ही यहाँ पे बन सारे हो गए हैं रेडी। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। और जी ये देखिए, हमने रख दिया कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल के अंदर बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है, ये तो आप लोग को पता ही है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो जी मैं तो यही आपको बताऊंगी कि आप हर सब्ज़ी को सरसों के तेल में ही बनाइए। तो जी तेल गरम हो गया, जैसे ही झाग आ गया तो आपका तेल भी गरम हो गया। तो ये जैसे करेले मैंने काटे थे, सारे करेले जाएंगे इस तेल के अंदर। तो जी अब इसको 2 मिनट के बाद ऊपर नीचे करके इनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लेने हैं, यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। तो इससे हाफ कुक हमारे करेले हो जाएंगे। तो जी इसके बाद आगे क्या करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए करेले हो गए हैं पूरे अच्छे से गोल्डन ब्राउन, और मैंने इसको निकालना है बाहर। तो बाहर निकालने के साथ ही जो बचा हुआ तेल है, अब उसके अंदर हम आगे क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपने पहले कभी करेले कैसे बनाए हैं ये आप मुझे बताइएगा। हो सका आपकी रेसिपी मुझे पसंद आएगी तो मैं उसको और अच्छे से करके डालूंगी इस वीडियो पे। तो जी देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है, 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिए हैं। और जी इसको मैं साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से भी फ्राई करने हैं। तो देखते हैं, अब इसके फ्राई करने के साथ साथ मैंने इसके अंदर थोड़े से आलू भी डाल दिए हैं, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जी ये देखिए इसका भी कलर कितना बढ़िया आ गया है, आपको यहाँ तक इसको फ्राई करना है। तो जी इसको यहाँ तक फ्राई करने के साथ ही अब इसको आपको क्या करना है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी कढ़ाई के नीचे जैसे जैसे चिपक रहा है तो उसको हल्का हल्का चिपकना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर करारापन आएगा। तो इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि हल्के ही मसाले में ही करेले आलू की भुजिया अच्छी लगती है। तो करेले आलू की भुजिया को आप दाल चावल के साथ भी खाइए, वाओ क्या मज़ा आ जाएगा, खा के ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं तो आप रोटी के साथ खाइएगा, रोटी के साथ खाइए, और इसको बना के फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो। फ्रिज के अंदर रखिए, जब आपका मन किया करेला आलू निकालिए और खाइए। हमारी मम्मी नानी दादी तो ऐसे ही करती थी, ढेरों करेले बना के रख लेती थी और बाद में ऐसे ही खाती थी। तो जी देखिए, मैंने आपको सामने में नमक और सिर्फ गोल मिर्च डाला है, और फिर वो जो करेले थे उसको भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के बाद मैंने उसको निकाला। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट के अंदर, तो देखिए कितना ही बढ़िया कलर, बिल्कुल सिंपल और सादगी में करेला बना है, और इतना टेस्टी बना है कि आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए आप साइनेमेटिक शॉट, और मैं मिलती हूँ कल एक और इसी तरह से इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।